महाराष्ट्र सच न्यूज में आप सबका स्वागत है। मुमरा के अहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आज माइनॉरिटी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने दौरा किया है। इस दौरान जायजा लेते हुए उन्होंने छात्रों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट पर छात्रों से काफी बातचीत भी की है। दरअसल अहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मुंबई में पहला स्थान, महाराष्ट्र में दूसरा स्थान और भारत में 133वां स्थान प्राप्त हुआ है। आज नवाब मलिक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर और ITI इंस्टीट्यूट के बारे में क्या चर्चा की है, आइए जानते हैं। जो एक गवर्नमेंट का माइनॉरिटी ITI बन रहा है, उस इमारत का हमने पूरा जायजा लिया। 2016 से वो काम चल रहा था और काम लगभग बंद पड़े के करीब है। पिछले हफ्ते हमने मीटिंग ली थी, उसका जो रिवाइज एस्टिमेट है उसको मंजूरी देना, सारे पैसे करना। हमने तय किया है कि मार्च 2021-22 तक ये जो गवर्नमेंट ITI माइनॉरिटीज़ का है उसको बनाकर पूरा करेंगे और 2022 साल से एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ जो यहाँ पे बॉम्बे वुमेन एसोसिएशन एजुकेशन सोसाइटी है उसके जरिए अहमद गरीब ITI चलती है। आज पूरे जो बॉम्बे रीजन में पहला इनाम इनको मिला इस साल और लगातार ये बेस्ट ITI की लिस्ट में है। यहाँ के जो भी ट्रस्टी हैं, यहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल, जो नई टेक्नोलॉजी है, नए ढंग से सब सारी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हमें लगता है कि इस तरह के अगर इंस्टीट्यूट बनते हैं तो बच्चों का नॉलेज भी अपडेट होता है और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ती है। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैसले किए हैं, जैसे प्राइवेट ITI में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका फिर रीइंबर्समेंट करना, तो वो भी स्कीम का फ़ायदा यहाँ के बच्चों को मिलेगा। और भी जो भी ज़रूरत इंस्टीट्यूट को होगी पूरी तरह से डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट इनका सपोर्ट करेंगे। सर, माइनॉरिटीज़ के लिए आप माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, कुछ माइनॉरिटी तलबा के लिए आप लेते हैं, तलबा के लिए कोई नई स्कीम वगैरह इसमें जारी हुई सरकार एडमिशन वगैरह को लेकर? नहीं, देखिए माइनॉरिटी स्टेटस के जो इदारे हैं उनको 50% रिजर्वेशन है, लेकिन जो अलग अलग स्कॉलरशिप है, जितनी स्कॉलरशिप है उतने बच्चों के एप्लीकेशन नहीं आती। प्री मैट्रिक में ज़्यादा आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो हमने ये फैसला किया है कि जितनी भी आएगी एप्लीकेशन सभी लोगों को देना चाहिए। इस तरह से कैबिनेट के सामने जा रहे हैं, सारी स्कॉलरशिप की स्कीम में लोग अगर एप्लीकेशन करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। हमने बड़े पैमाने पे हॉस्टल जो बने थे या और नए हॉस्टल माइनॉरिटीज़ के गर्ल्स बॉयज़ के बनाने के फैसले किए। एक फैसला हमने किया है कि जो माइनॉरिटीज़ के हॉस्टल में बच्चे पढ़ेंगे जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपये होगी, ऐसे बच्चों को जो महानगर पालिका क्षेत्र में होंगे उनको साल में 3 लाख रुपए और जो ग्रामीण क्षेत्र में होंगे उनको साल में 2,80,000 रुपये हम उनको वो देंगे, खावटी भत्ता, खाने के लिए पैसे, जिससे कि हर महीने लगभग 3,000 रुपये बच्चों को मिलेगा, जिससे अब हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को काफ़ी मदद होगी और उनकी माली हालत ठीक नहीं होती तो इस स्कीम से बड़े पैमाने पर बच्चों को पढ़ने में जो भी परेशानी वो दूर होगी। और बहुत सारी अलग अलग स्कीम है जिसपे काम चल रहा है, आने वाले दिनों में उसका ऐलान करेंगे। सर, स्कॉलरशिप की जो रकम है बच्चे भरते हैं लेकिन वो एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक के नहीं आ पाती, वेबसाइट पे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कई बार शिकायत भी की उसकी। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कॉलरशिप थी, खास करके टेक्निकल एजुकेशन की जो थी, प्रोफेशनल कोर्सेज की, पिछले साल लेट हुआ था लेकिन जो भी थी हमने अभी पूरा उसको डिस्कस करवा दिया है। सर, 12 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार हो चुका है, आज से शुरुआत की जाएगी, क्या कहना चाहिए इस ऊपर? देखते हैं, केंद्र की सरकार ने मंजूरी दी है, प्राइवेट कंपनी है, वैक्सीनेशन शुरू होगा, कितना इफेक्टिव है। वैक्सीनेशन का मतलब है कि लोगों को टीकाकरण से, रोग से, बीमारी से बचाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीका लगाने के बाद कोविड नहीं होगा। बड़े पैमाने पर टीका लगाने के बाद भी कोविड फैल रहा है, ये सच्चाई है, लेकिन मोर्टेलिटी वे कम हो रही है। तो टीका लगवा लिया हमने और हम बेपरवाह हो जाएंगे तो हमें लगता है इससे भी खतरा टला नहीं है। हो सकता है कि जान ना जाए लेकिन उनके जरिए कई लोगों को इन्फेक्टेड भी कर सकते हैं। टीका लगाना ज़रूरी है
लेकिन एहतियात टीका लगा के भी मिल जाता है। सर पूरी तीसरी लाट आने वाली है और बीजेपी इस वक्त जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है। देखिए दूसरी लाट में भी बीजेपी ही जिम्मेदार थी। हिंदुस्तान में जो सेकंड वेव आई, प्रधानमंत्री गृह मंत्री सभी लोग रैलियों में लाखों लोग जुटा रहे थे जिससे सेकंड वेव आई। अब जन आशीर्वाद यात्रा पूरे देश में फिर निकली है, फिर भीड़ जुटा रही है भारतीय जनता पार्टी। जो तीसरी लहर आएगी उसकी भी जिम्मेदारी बीजेपी की रहेगी हमें लग रहा है। सर पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं और बीजेपी के नेता कह रहे हैं अगर तुम्हें सस्ता पेट्रोल चाहिए तो अब पाकिस्तान जाओ, ये जुबान किससे लग रहा है? गैर जिम्मेदाराना बयान है। पेट्रोल डीजल के जरिए लोगों की रोज जेब काटी जा रही है। गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपये बढ़ा दिए गए। जन आशीर्वाद यात्रा है तो के जन विरोध लोगों का होगा ये उन्हें अंदाज़ा नहीं। हमें लगता है जिस तरह से पेट्रोल डीजल गैस में लूट मचाई जा रही है लोग इन्हें सबक सिखाएंगे। सर आप जान को जैसे अब ड्राई फ्रूट की जो महंगाई बढ़ती जा रही है अपने देश में क्योंकि कारोबार वहाँ से ज़्यादा होता है, उसको लेके सरकार राज्य सरकार किस तरह तैयारी की है और कालाबाजारियों की संख्या बढ़ जाएगी? मुझे पता नहीं, ड्राई फ्रूट ये किसी भी कंट्रोल में नहीं है, मार्केट ड्रिवन उसके रेट होते हैं। ड्राई फ्रूट अफगानिस्तान से भी आते हैं लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है पैरेलल कैलिफोर्निया से अमेरिका से सबसे ज़्यादा स्टॉक आता है। अगर ये माहौल बनाया जा रहा है कि अफगानिस्तान की हालत बिगड़ने से ड्राई फ्रूट के दाम बढ़ेंगे, ईरान से पिस्ता आता है, कैलिफोर्निया से बादाम और अखरोट आते हैं, तो पैरेलल सप्लाई है और मेजॉरिटी जो इम्पोर्ट है वो दूसरे मुल्कों से है, महंगा होगा ऐसे मुझे नहीं लगता। सर पाकिस्तान की सचिव जो आज अफगानिस्तान में विजिट कर रहे हैं कि सबसे पहले मुझे पता नहीं, फॉरेन मिनिस्टर उसके बारे में टिप्पणी कर सकते।